वेलकम गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी दिवाली आने वाली है। तो हम लोग अभी बढ़िया बढ़िया सी डेकोरेशन करने वाले हैं अपने घरों में, ताकि माँ लक्ष्मी हम सभी के घरों में आए। तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे बाहर खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही बहुत ही सुंदर सुंदर सी डेकोरेशन के लिए चीज़ें तैयार कर सकते हैं। उन्हीं में से आज कुछ मैं आपको बनाना बताने वाली हूँ। तो कुछ इस तरह से जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्वास्तिक का एक हैंगिंग के लिए मैंने बनाया है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये तो कार्डबोर्ड है जो मैंने केक के डब्बे से, जो मैंने मेरे बेटे के बर्थडे में केक आया था उससे मैंने कटिंग करके निकाले हैं। तो और यहाँ पर इसके लिए चाहिए फेविकॉल। कलर आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर वाटर वाले ही कलर चाहिए हमें, और टिशू चाहिए। तो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें। और यहाँ पर लेस, आप लेस कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और एक कैंची। तो ये सभी टोटल चीज़ें हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और एकदम से फटाफट से हमारा इतना सुंदर सा हैंगिंग स्वास्तविक तैयार हो जाएगा, आप देखते रह जाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने कार्डबोर्ड पर ये जो टिश्यू है इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर चिपका देना है। बाकी की जो किनारी है उस पर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम लगाएंगे यहाँ पर लेस। तो इसको चलिए हम फेविकॉल से चिपका देते हैं। फेविकॉल से चिपकाने के बाद हमारा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेट हो चुका है। फेविकॉल लगाने के बाद आपको इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है, उसके बाद हम इस पर करेंगे कलर। तो ये हमारा सूख चुका है। तो इस पर आप चाहे जैसे भी कलर करना चाहें, एज यू विश, जो भी आपको पसंद हो आप वो कलर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो कलर कर रही हूँ वो मैं रेड, ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन के साथ मैं यहाँ पर कलर कर रही हूँ। आप जो भी कलर करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कर सकते हैं कलर। तो चलिए फिर पहले कर लेते हैं यहाँ पर कलर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेड कलर से लाइनिंग बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस को रेड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा कलर अपना करेंगे। तो आपने जितना भी बड़ा यहाँ पर आपने कार्डबोर्ड लिया है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तीन तरह के कलर यूज कर रही हूँ। अगर आप बड़ा कार्डबोर्ड लेते हैं और उस पर बनाना चाहते हैं तो आप तीन से ज़्यादा कलर भी लेकर के इसका सेट तैयार कर सकते हैं। तो रेड कलर हमारा फाइनली हो चुका है, और अब हम कर रहे हैं ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर को भी बिल्कुल रेड कलर की ही तरह करना है, बहुत ही इजीली हो जाएगा और आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आप किसी भी कलर का यूज करो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर मार्केट से 10 या 20 रुपए वाला कलर जो आता है वो भी यूज इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ये हमारा ऑरेंज कलर भी हो चुका है, और अब हम इसमें करेंगे बीच सेंटर में जो रह चुका है उसको हम करेंगे येलो कलर से पेंट। अच्छे से पेंट कर लेंगे ताकि हमारा जो बीच वाला हिस्सा है वो बिल्कुल येलो कलर से अच्छे से हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शेडिंग हमारी यहाँ पर आ गई है करने के लिए। बीच में हमारा येलो है, ऑरेंज है, फिर और फिर रेड है। तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप मैंने जैसे आपको बताया आप दूसरे कलर में भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अगर आप करोगे शेडिंग बना करके तो वो ज़्यादा अच्छा दिखने में लगेगा। बाकी हमारी जो जितने भी फिलअप हैं यहाँ पर, जो भी वाइट वाइट दिखाई दे रहा है उसको भी हम फटाफट से यहाँ पर इसको अच्छे से फिलअप कर लेते हैं, ताकि हमारा जो कलर है वो अच्छे से दिखाई दे, बिल्कुल भी ख़राब ना दिखाई दे। तो हमने सभी को यहाँ पर कर लेना है अच्छे से फिलअप। यहाँ पर रेड है वहाँ पर रेड करेंगे, जहाँ ऑरेंज है वहाँ ऑरेंज से फिलअप करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर आगे देख सकते हैं आप, हमने अच्छे से इसको फिलअप कर लिया है ताकि हमारा कहीं पर भी यहाँ पर दिखाई ना दे। और ये करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब और हम इस पे लगाएंगे अब ये लेस। तो लेस लगाने के लिए हम फेविकॉल का यूज करेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो थोड़ा सा फेविकॉल लगा करके लेस, हमारी जो लेस है उसको हम आसानी से चिपका सकते हैं कुछ इस तरह से।
ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था बहुत ही इजीली बन जाएगा अगर आपके पास मोस्टली ये चीज़ें मिल ही जाएंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि लेस भी सभी के घरों में होती है। तो सिर्फ कॉर्नर के लिए हमें क्या करना है, ग्लू गन का यूज करना है, क्योंकि फेविकोल से ये थोड़ा यहाँ से चिपकने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ग्लू गन का यूज करना है और इसके जो कॉर्नर है उनको हमको ग्लू गन से यहाँ से चिपका देना है। उसके बाद हम फिर से फेविकोल का यूज करेंगे और फेविकोल लगा करके फिर से हम कुछ इस तरह से अपनी लेस को लगा देंगे। तो लेस भी जैसा मैंने आपको बताया, लेस भी आप, मैंने यहाँ पर मैरून कलर लिया है, डार्क रेड भी बोल सकते हैं इसको, तो यहाँ पर हमने ये यूज किया है। आप चाहें तो दूसरा कलर ले सकते हैं, आप यहाँ पर गोल्डन कलर भी ले सकते हैं, वो भी इसके साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। आप चाहें तो इनके साथ येलो भी ले सकते हैं, येलो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जैसा आप अगर कलर दूसरा करना चाहें तो उसके हिसाब से आप इसमें लेस यूज कर सकते हैं, और जो लेस है वो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन देगा। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, अगर लेस जिस तरह से मैंने यहाँ पर लेस लिया है बिल्कुल अगर उसी टाइप का लेस हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर प्लेन होगा तो थोड़ा वो भी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। बट इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रेशम के धागों का किनारी बना हुआ है, तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप भी चाहें तो उसी तरह से कुछ इसमें लेस यूज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर देखिए ग्लू गन से बिल्कुल फाइनल हमारा ये हो चुका है, और ग्लू गन से हम इसको चिपका देंगे और जो एक्स्ट्रा है हमारा उसको हम यहाँ से कर देंगे। देख सकते हैं आप, ये हमारे जो कॉर्नर हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एक्स्ट्रा है जो हमारा लेस एक्स्ट्रा बच चुका है उसको हम कट कर देंगे कैंची की हेल्प से, और उसको हम अच्छे से यहाँ से फिर से चिपका देंगे ताकि वो यहाँ से ना निकले। तो फाइनली हमारा जो ये है वो बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कर लिया है बिल्कुल रेडी, और ये हमारा अभी हो चुका है तैयार। तो चलिए अभी हम इसको अच्छे से दबा करके लेस को छोड़ देते हैं ऐसे ही सूखने के लिए, तब तक हम इसको करते हैं तैयार जो यहाँ पर हम लगाएंगे स्वास्तविक, तो उसके लिए हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो ये अभी हमारा गीला होकर के थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी भारी चीज़ें या फिर बुक आप ले करके इसके ऊपर रख देंगे, वेट की चीज़ें आप कुछ भी इस पर रख देंगे, जिससे ये एकदम से प्लेन होकर के सूख जाएगा तो एकदम से अच्छा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिए एक ग्लिटर की सीट, और एक साथ एक है मेरे पास जो प्लास्टिक में पिछली दीपावली का मेरे पास रखा हुआ है, तो उसी की हेल्प से मैं यहाँ पर इसको सेप दे करके अपने पेन से मैंने यहाँ पर सेप दिया है इसका, और हम उसी से स्वास्तविक अभी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप, मैं जैसे ग्लिटर यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर किले से भी स्वास्तविक या फिर ओम कुछ भी चीज़ें आप शुभ लाभ भी लिख सकते हैं, स्वास्तविक भी बना सकते हैं, ओम भी बना सकते हैं। तो आपको जो भी यहाँ पर ड्रॉ करना है बनाना है वो आप वो कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर स्वास्तविक बना रही हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्वास्तविक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब हम इसको कर लेंगे कट। तो कट यहाँ पर थोड़ा इसे इसको हमको ध्यान से करना है, क्योंकि हमें इसको अच्छे से शेप देना है ताकि ये देखने में काफ़ी अच्छा दिखाई दे। तो चलिए फिर अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो हमारा जो सास्केट है वो हम कैंची की हेल्प से इसको कट कर लेंगे, सावधानी से करें ताकि इसका जो शेप है अच्छे से आए। तो उसका जो शेप था मैंने कुछ इस तरह से ही उसको बना दिया है, बट हम अपने ही हिसाब से इसको कट करेंगे, क्योंकि इस तरह से वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो प्लास्टिक में बना हुआ है तो इस वजह से थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। बट अगर हम इसी शेप में, जो शेप उनकी बनी हुई है उसी शेप में अगर हम काटेंगे तो हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो हम नॉर्मल वाले शेप में अपना सास्विक काट लेंगे ताकि हमारा जो सास्विक है बिल्कुल देखने में नॉर्मल दिखाई दे, अच्छा लगे, तो उसको हम बाद में डेकोरेट कर लेंगे। तो उसके लिए अभी हमने अपना जो सास्विक है वो नॉर्मल शेप में काट लेना है,
हमारा जो सात्विक है बिल्कुल कट करके हो चुका है, एकदम से रेडी। आप देख सकते हैं लग रहा है ना बिल्कुल ओरिजिनल, और काफ़ी अच्छी शेप भी आ गई है। अगर हम खुद से इसको काटते तो उतनी अच्छी शेप नहीं आती, बट हमने जो इसका साइज लेकर के इसको काटा है तो ये काफ़ी अच्छे से हमारा रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। और अभी हम इस पर इसको चिपका देंगे फेविकोल की हेल्प से। तो हमें फेविकोल लेना है, फेविकोल से हम अपने सात्विक पर लगाएंगे फेविकोल और इसको चिपका देंगे अपने कार्डबोर्ड पर जो हमने रेडी किया है अभी। तो ये आप किसी भी तरफ से लगाएं, क्योंकि हमारा जो इक्वली ही है चारों तरफ से इसका शेप। तो हमने साथ में लगा दिया है, और ये मैंने कुछ ग्लिटर से गोल सर्कल में छोटी छोटी सी ये यहाँ पर डॉट्स काटे हैं जिनको हम सात्विक के बीच में लगाएंगे, क्योंकि सात्विक में बीच में डॉट होते हैं। तो उसको लगाने के लिए फिर हम फेविकोल का ही यूज करेंगे, और कुछ इस तरह से हमारा जो सात्विक है बन करके रेडी हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्का हल्का सा फेविकोल लगा करके आसानी से ये हमारा चिपक जाएगा। और हम देखिए ये बिल्कुल हो चुका है रेडी, देख सकते हैं देखने में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और हमारा ये अभी रेडी हो चुका है, आप चाहें तो इसको हैंग करके भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही फेविकोल की हेल्प सॉरी डबल टेप की हेल्प से आप अपने वॉल पर या फिर आप अपने मंदिर में वो लगा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसमें अभी हम और क्या कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मिरर का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एक मिरर अपने सात्विक में लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप चाहें तो छोटे वाले मिरर अपने जो सात्विक के चारों तरफ लगा सकते हैं, बट मैंने ज़्यादा मुझे जो लगा सादा सिंपल काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने इस पर ज़्यादा बार कुछ नहीं किया। और हमने यहाँ पर लगा दिया है एक एक मिरर दोनों सात्विक के बीच में, आप देख सकते हैं देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए आपको मैं पास दिखा देती हूँ कितना सुंदर हमारा सेटिंग में सात्विक बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए इनको हैंग करने के लिए हैंग करने के लिए हम इनको किसी धागे से हैंग करने के लिए तैयार करेंगे। और ये हमारा अगर हम इनको ऐसे यूज करना चाहें तो हम डबल टेप लगा करके अपने वॉल पर अपने मंदिर में आसानी से चिपका सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वेट का नहीं होता है, तो ये आसानी से चिपक जाएगा और ये हमारा आराम से चिपका रहेगा। अगर आप इनको हैंग करना चाहते हैं तो हैंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है ऊन का धागा, और ऊन का धागा कुछ इस तरह से अपने कार्डबोर्ड में इस तरह से चिपका देना है टेप की हेल्प से, और ये आपको कुछ इस तरह से हैंग हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स मेरा था वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, और मेरे से अगर कोई इसमें कमी रह गई है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको और भी मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर।